इसमें हर तरह का पोर्शन है, डायना हो गया, लेब हो गया, बॉडी हो गया। ये वो पीस कितना ग्राम का होता होगा? 120 ग्राम। ये क्या जा रहा है? अदरक लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट है। हाँ देख लीजिए दोस्तों, प्याज नहीं काट रहे, फोटो खींच रहा है, लेट नहीं हो जाएगा? नहीं बोलिएगा। तो असर मार रहे हैं और यहाँ फोटो सर जी खिंचा रहे हैं। और इधर पूरा देख लीजिए, चिकन जो है जोरों शोरों से साफ सफाई हो रहा है। और इधर भी भैया पूरा मस्ती कर रहे हैं। चावल क्या लग रहा है, तैयार हो गए? हाँ हाँ, बस निकालने वाले हैं। हमें ये इसे हाथ में इसलिए बांध लेते हैं, लो हाथ कटे ना, तब कितना मारिएगा नहीं कटेगा। चाकू का रनिंग तेजी रहता है ना, चाकू पजावा चाकू रहता है, नहीं बांधे तो कट जाएगा तुरंत। लेकिन अब कपड़ा बांधने ज़्यादा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, कितना भले तेज मारते ना। हाँ चलिए, टेक्निक बिरयानी मसाला हो गया दोस्तों। ये हो गया भैया कलर, ये रोल सेड क्या हो गया? ये हो गया मीठा सेड। क्या चाहिए? मीठा सेड हो गया ये। अच्छा, पूरा नाप के डालते हैं ना, ऐसा डलाता तो बहुत तो मीठापन आता। अच्छा, इसी से मीठापन हल्का आता। और ये जफरान, जफरान बिरयानी के लिए, फूल के लिए एक लंबा सेड। अच्छा, ये हो गया गुलाब पानी, ये हो गया गुलाब पानी, गुलाब पानी का मिला हुआ इसमें। ये हो गया भैया नींबू, और ये चला गया नींबू। 15-20 गो नींबू जाएगा। ये हो गया भैया बिरयानी मसाला, फिर बिरयानी मसाला चिकन के ऊपर जाएगा तो वाला। अच्छा, इनको डालने के बाद तो खुद खुशबू बढ़िया आता है। ये हो गया भैया तेल। अच्छा, ये तेल हो गया, तो चिकन फ्राई किए तो ना वही तेल है। अच्छा, उसे और सुनहापन आ जाएगा। वाह, आइए चलिए भैया, ये जा रहा है चढ़ने के लिए, जा रहा है ना। जैसा कि दोस्तों देख लीजिए, अब ये गैस पे आके चढ़ चुका है और यहाँ पे भैया चावल निकाल चुका है, पूरा मसाला को पूरा महा जा रहा है। इससे क्या होता है, पूरा अच्छा सा दही भी मिक्स हो जाता है, मसाला भी मिक्स हो जाता है। नहीं जी हाँ, ऐसे चम्मच से चलाने पे उतना अच्छा नहीं होता, महा देने से पूरा अच्छा हो जाता है। ये बजाने का भैया स्टाइल है ना, यही तो मेन कला है भैया बजाने का। जैसा कि दोस्तों देख लीजिए, कटिंग कर देने से एक चीज़ होता है कि जल्दी जल्दी पीस को देने में आसानी है। बस बस, अब इस तरह ऊपर में हमको पीस दिख जाएगा, जो आदमी जो मांगेंगे फटाफट हम देते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी हम आए हैं केला मंडी, और केला मंडी के जैसे ही हम आगे बढ़े हैं तो ये रोड चल जाएगा शिव शक्ति नगर। दिखा दीजिए, ये रोड चल जाएगा शिव शक्ति नगर, हल्का इधर दिखाइए। और हम अभी आए हैं बिरयानी का वीडियो बनाने के लिए। यहाँ का वीडियो हम एक साल पहले बना चुके थे, लेकिन उस समय आए थे तो सिर्फ खा के दिखाए थे। लेकिन अभी हम आए हुए हैं, पूरा बनते हुए आपको रेसिपी दिखाएंगे। अभी देख लीजिए, पूरा चिकन आके अभी धुआ ही रहा है एकदम। हम सुबह में 8 बजे राइट आ चुके हैं, और अभी पूरा हम एक एक करके जैसे जैसे बिरयानी बनेगा पूरा चीज़ हम दिखाने वाले हैं। और एक और लोकेशन की बात करते, सामने में देख लीजिए, माँ काली स्वीट है, माँ काली स्वीट है। आप लोग माँ काली स्वीट के पास आते हैं, कोई से भी पूछिएगा, कोलकाता बिरयानी सामने दिख जाएगा। आप लोग आइए बिरयानी खाइए, और चलिए अंदर का हम पूरा एक एक करके रेसिपी दिखाते हैं, कैसे बिरयानी बनता है वो दिखाते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। इधर भी देख लीजिए दोस्तों, कोई का भी हाथ रुका हुआ नहीं है, सब कोई का हाथ जोरों शोरों से चल रहा है, क्योंकि एक टारगेट होता है 12 बजे के हल्का पहले बिरयानी रेडी कर ही देना है। तो सब कोई पूरा मन से काम कर रहे हैं। इधर भी देख लीजिए, पूरा चिकन साफ़ सफाई करके निकल रहा है, और इधर साफ़ सफाई चल रहा है। ये हो गया चिकन वाला आइटम जो साफ सफाई चल रहा है। आज करके भुरुन होता है, वही भुना जाएगा ब्राउन करके, उसके बाद वही प्याज को बिरयानी में डाला जाएगा। चलिए ठीक है, ये काटने का काम जोरों शोरों से अब चलते रहे, सब चलते। इसमें हर तरह का पोर्शन है, डायना हो गया,
बॉडी हो गया। एक वो पीस कितना ग्राम का होता है? 120 ग्राम। 120 ग्राम जी। आप क्या चाहिए? और इधर देख लीजिए पूरा निकल रहा है, साफ़ सफाई का कर। और इधर पूरा जोरों शोरों से साफ़ सफाई कर रहे हैं लोग। देख लीजिए दोस्तों, जैसा कि हम बता दें आलू हो चुका है, अब आलू को सर जी निकाल रहे हैं, फिर एक खाली चम्मच से खोद के देख रहे हैं। क्या लगता है, हो गया आलू? हो गया। ये रहा दोस्तों गर्मा गर्म आलू। यही आलू को चावल के अंदर डाल डाल के पूरा सर्व किया जाता है। देख लीजिए कोलकाता बिरयानी, नीचे लिखा है संदलपुर बाजार समिति पटना 8,06,000। आप लोग जैसे ही माँ काली स्वीट के पास आइएगा, कोई से पूछिएगा कोलकाता बिरयानी जाना है, कोई भी बता देंगे। और यहीं पे आप लोग बैठ के खाइए गर्मा गर्म बिरयानी। और ये दुकान हो गया करीब नहर पे, तो बहुत पुराना है, यहाँ हो गया 3 साल होता होगा हमारे ख्याल से। तो 1 साल पहले हम यहाँ का वीडियो बनाए थे, तो उस समय डायरेक्ट हम खा के दिखा दिए थे, लेकिन अभी हम वीडियो पूरा मतलब अंदर जाएंगे, कैसे कैसे बिरयानी बनता है वो सारा चीज़ दिखाने वाले हैं, पूरा रेसिपी दिखाने वाले हैं, और उसके बाद खा के आपको टेस्ट बताएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। इसको 15-20 मिनट अभी भूनिएगा, और उसके बाद इसमें क्या डलाएगा, पानी? पानी डलाएगा, पानी डलाने के बाद रेडी। पानी, पानी है भैया। कितना लीटर पानी डाल दीजिएगा इसमें? यानी 40 लीटर। ये गया दोस्तों 2 बाल्टी पानी, 40 लीटर। हाँ देख लीजिए दोस्तों, प्याज नहीं काट रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, लेट नहीं हो जाएगा? नहीं बोलिए। असर मार रहे हैं और यहाँ फोटो सर जी खिंचा रहे हैं। और इधर पूरा देख लीजिए चिकन जो है जोरों शोरों से साफ सफाई हो रहा है। और इधर भी भैया पूरा मस्ती कर रहे हैं। अब ये क्या डाल रहे हैं? दही। कितना किलो दही डाल देते हैं? 50-100 ग्राम। दही 1-200 ग्राम दही डलाता है। अच्छा, दही डालने के बाद थोड़ा बढ़िया हो जाता है। अच्छा, ऐसे से ग्रेवी मतलब क्रीमी टाइप का लगता है ना बिरयानी? ऐसे से क्रीमी टाइप। हाँ, स्वाद के दर्द में भूल जाएगा। रंग है ऐसे हल्का कलर आ जाएगा ना। हाँ, मैग्नेट किया जाएगा। हाँ, इसमें मिलाना है। जैसा कि दोस्तों देख लीजिए मैग्नेट किया जा रहा है। और ये सर ये पूरा जोरों शोरों से बना रहे हैं। ये क्या जा रहा है? अदरक लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट है। जैसा कि दोस्तों देख लीजिए सर जी पूरा जोरों शोरों से मिक्स कर रहे हैं और बहुत अच्छा से मैग्नेट हो रहा है दोस्तों धीरे धीरे। तब यही चीज़ को फ्राई किया जाएगा। और कोई आदमी का हाथ रुक नहीं रहा है, सब कोई अपने अपने काम में बिजी है। ये भी भैया बिजी हैं। और देख लीजिए मसाला पूरा अच्छा से मैग्नेट हो रहा है, लगभग लगभग मैग्नेट हो चुका है। अब इसको फ्राई किया जाएगा दोस्तों, देख लीजिए। ये इसे हाथ में इसलिए बांध लेते हैं लो, हाथ कटे ना। तब कितना मारिएगा नहीं कटेगा? चाकू का रनिंग तेज़ी रहता है ना, चाकू पजावा चाकू रहता है, नहीं मारने तक कट जाएगा तुरंत। लेकिन अब कपड़ा बांधने ज़्यादा नहीं कटेगा? नहीं कटेगा, कितनों भले तेज मारते हैं ना। हाँ चलिए, सब टेक्निक है। अब ये कटते रहे मैग्नेट वाला काम जोड़ों शोरों से लगभग मैग्नेट हो चुका है ना। हाँ, फ्राई किया जाए। हाँ, फ्राई करेंगे। अब दोस्तों फ्राई वाला काम चालू होने जा रहा है। भैया बार दिए गैस, अब इसके ऊपर डलाएगा तेल। और यहाँ पे देख लीजिए चिकन पूरा अच्छा से मैग्नेट करके रखा चुका है। कितना लीटर तेल डालिएगा अभी इसमें? मैक्सिमम 7 से 8 किलो तेल डालेंगे। 7 से 8 किलो बेस्ट चॉइस का यूज करते हैं ना? हाँ, बेस्ट चॉइस का जो भी है आप अच्छा अच्छा यूज कर रहे हैं, नमक से लेकर मसाला से लेकर हर चीज़। हाँ हाँ, अभी गया दोस्तों तेल।
जैसा कि दोस्तों देख लीजिए, अब चिकन निकला रहा है और चिकन को फ्राई किया जाएगा। तेल देख लीजिए लगभग लगभग गर्म हो चुका है, यह हल्का सा उड़ेगा। ये जो फ्राई जो हो रहा है जोरों शोरों से फ्राई होते रहेगा। अभी चिकन डला रहा है दोस्तों। ये गया पूरा लेग पीस, डायना बॉडी पर्सन हर तरह का पीस है, मैग्नेट कर दिया गया है और ये फ्राई हो रहा। अभी ऐसे सुगंध आना चालू हो गया दोस्तों। अब इसको हल्का चलाया जाएगा। ऐसे ही जोरों शोरों से फ्राई होते रहेगा ना? हाँ हाँ। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए पूरा अच्छा सा फ्राई हो चुका है, कलर भी आ चुका है, अब निकलने जा रहा है। करीब हम हमारे ख्याल से 20 मिनट लग गया था फ्राई होने में, नहीं 20 मिनट लग गया था। और ये देख लीजिए क्या कलर दिख रहा है दोस्तों, ओए होए। अब आप समझ सकते हैं खाने में कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसे जोरों शोरों से निकलते रहेगा दोस्तों। और फिर अब उसको डाला जाएगा। काफ़ी अच्छा सा खुशबू आ रहा है। और ये भैया पूरा मेहनत कर रहे हैं सुबह से। क्या डाल रहे हैं आप? ये गैस का प्रेशर कम जाता है तो गर्म पानी डाल दे तो उसका प्रेशर बढ़ जा रहा है। अच्छा, ये डालने से गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा ना। ये पानी पूरा गर्म होगा इसी से बढ़ जाता है। जैसा कि दोस्तों देख लीजिए डालने से गैस का प्रेशर हल्का बढ़ जाता है, पूरा बढ़ गया। जैसा कि दोस्तों देख लीजिए प्याज डला रहा है, डालिए। अब ये प्याज का क्या करिएगा? प्याज का ब्राउन होगा। और यही प्याज दिन भर यूज होते रहेगा ना? जी जी। लगभग कितना किलो प्याज अभी डलाएगा? वही लगभग 15-20 किलो। 20 किलो 15 किलो बाद होगा। और कुछ प्याज जो कटाया है वो सलाद के लिए? वो सलाद के लिए। जैसे 15 किलो प्याज है तो कितना लीटर तेल सोख जाए? 8 किलो हम तेल डाले, चिकन फ्राई किए, अब उसमें ब्राउन हो रहा है। अब इसमें हम लोग अंदाजा नहीं, मतलब लेके चलते लिमिट, लेके ले चलते। लिमिट हम लोग लेके चलते। और ये ब्राउन होने में कितना टाइम लगेगा? इसमें 15-20 मिनट लग जाएगा। 15-20 मिनट। और यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों पूरा अच्छा सा चिकन फ्राई करके निकाल दिया गया है। और यही चिकन को पूरा मतलब रात तक पूरा चलाया जाएगा। और यहाँ प्याज ब्राउन हो रहा है और सब कोई जोरों शोरों से मेहनत कर रहे हैं। नमक डाल देते हैं थोड़ा सा ना, नमक से थोड़ा सा लाइट आ जाता है और जो ब्राउन होता है ना वो अच्छा लगता है देखने में। अच्छा, ये पूरा अच्छा से ब्राउन हो गया ना? हाँ, ये कंप्लीट हो गया। अभी इसको हम तय निकालेंगे, समझे? अब इसी को चावल के ऊपर छिटा। हाँ, यही मेन बिरयानी का ये जान है, समझे? अच्छा। जान है, शान है, कुछ भी कहिए। अच्छा, ये ब्राउन है तो ये मतलब बिरयानी जो अंदर चिकन साजते होंगे, आलू साजते होंगे। हाँ, उसके मतलब चिकन आलू के ऊपर से डालते हैं, फिर उसके बाद चावल पर डालते हैं। चावल के ऊपर डालते हैं। हाँ, इसी से हल्का टेस्ट और बढ़ जाता है। हाँ हाँ हाँ। और इसको दिन भर यूज किया जाएगा? हाँ हाँ, हम लोग लिमिट से बनाते हैं, इतना बनाते हैं कि बस एक दिन में ख़त्म हो जाए, बचने का कोई संभावना नहीं। उतना बनाते ही नहीं है। अच्छा, बस हर चीज़ लिमिट से बनाते हैं ताकि भाई कस्टमर को भी लगे कि हाँ नया है, अच्छा है। हम 10 दिन 15 दिन बनाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, एक रोज़ बनाते हैं, रोज़ इस्तेमाल करते हैं, रोज़ इस्तेमाल करते, ताज़ा ताज़ा बना के ताज़ा ताज़ा खिलाते हैं। हाँ हाँ।
जैसा कि दोस्तों देख लीजिए, पूरा अच्छा सा प्याज ब्राउन हो चुका है। जैसा कि दोस्तों देख लीजिए, अब चिकन को साजा जा रहा है और इसके ऊपर आलू साज के पूरा मतलब बनाया जाएगा। एक एक करके हम दिखाने वाले हैं। इसमें आपको हर एक तरह का पीस आप लोगों को मिल जाएगा। कुछ डायना है, कुछ लेग है, कुछ बॉडी मिल जाएगा आपको। और अभी चिकन को साजा जा रहा है। यहाँ पानी डला चुका है, चावल चढ़ने जा रहा है। हल्का नमक डाल रहे हैं, नहीं इससे क्या होता है चावल में बिना नमक के थोड़ी बनेगा। अच्छा, नमक रहेगा तभी तो चावल में नमक का यह स्वाद आएगा। एक किलो डाल देते हैं ना? ना, आधा किलो ज़्यादा रहता है। इधर देख लीजिए दोस्तों, चिकन बहुत ही अच्छा सा साज दिया गया है। जैसा कि दोस्तों देख लीजिए, गैस को जला दिया गया। लगभग इसमें 40-50 लीटर पानी डला चुका है। अब इसके ऊपर से जाएगा चावल। ऐसा पानी और गया दोस्तों। ये लौंग इलायची है ना? लौंग इलायची। जैसा कि दोस्तों देख लीजिए, लौंग इलायची डला गया। चिकन सजा गया, अब आलू सजा रहा है और उधर भी चिकन अब सजा रहा है। ये साज के रेडी रख देते हैं, एक बार चढ़ा दीजिएगा ना। जा रहा है दोस्तों नींबू। जब स्टार्टिंग में ये घोल बना था कैसा कलर का था? एकदम पीला पीला दिख रहा है। आप देखिए इसका कलर देख लीजिए, पूरा लाल हो गया। खूबसूरत लग रहा है ना? हाँ। यही मेन हम लोग का, यही मेन। यहाँ पे चावल तैयार हो रहा है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों घोल अब जा रहा है अंदर। अंदर कुछ कुछ मटेरियल ऊपर से पड़ेगा, वो सारा चीज़ हम दिखाने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों अब घोल में बहुत सारा चीज़ पड़ने वाला है, हर एक चीज़ हम दिखाने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों पूरा तेल भैया निकाल दिए और बता रहे हैं, ज़्यादा दिया दूध, मेन तेल हो गया ना जी। ये ना ज़्यादा दूध लिया। दूध कितना लीटर डाल दीजिएगा इसमें? एक लीटर। एक लीटर ये चला गया दोस्तों दूध। इससे हल्का मतलब क्रीमी टाइप का लगता है ना? ये हो गया भैया चीनी। चीनी चीनी क्यों डालते हैं? घोल में मीठापन आ जाएगा। ये हो गया भैया बिरयानी मसाला। अच्छा, ये हो गया बिरयानी मसाला। तो बिरयानी मसाला जो है खुद से पिसाते हैं कि रेडीमेड लाते हैं? कोलकाता का आता है भैया। अच्छा, कोलकाता से आता है पिसवा के। ये हो गया बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला हो गया दोस्तों। ये हो गया भैया कलर पनीर और शेड। क्या हो गया? ये हो गया मीठा सेंड। क्या चाहिए? मीठा सेंड हो गया ये। अच्छा, पूरा नाप के डालते हैं ना? अच्छा, इसी से मीठापन हल्का आता है। जफरान बिरयानी के लिए, घोल के लिए एक लंबा सेंड। अच्छा, ये हो गया भैया गुलाब पानी। ये हो गया गुलाब पानी। गुलाब पानी हमें मिला हुआ इसमें। और ये चला गया नींबू। नींबू डला रहा है दोस्तों। बता रहे हैं 20 को नींबू डला जाता है ना? जैसा कि दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे अंडा चढ़ रहा है। कितना अंडा डाल रहे हैं भैया अभी? 50 अंडा डाल रहे हैं। 50 अंडा। और इसको बॉयल कर दिया जाएगा। कोई बिरयानी के साथ अंडा मांगेगा तो यही अंडा दिया जाएगा। हाँ, यही अंडा दिया जाएगा बिरयानी के साथ। और नींबू कहाँ डाले हैं इसमें? मतलब क्या? नींबू डालने से फटता नहीं है अंडा। अच्छा, अंडा नहीं फटता? नहीं फटता। ये राइस फ्लेवर है भाई। राइस फ्लेवर। राइस फ्लेवर इसे क्या होगा? राइस फ्लेवर मतलब चावल का टेस्ट थोड़ा बदल जाता है, खुशबू आता है इसमें। चावल में और कितना टाइम लग जाएगा? ये बस 5-7 मिनट में निकाल देंगे। वहाँ जो मटेरियल बना है उसमें ये पलटी हो जाएगी। हाँ, और उसके बाद फ्लेम पे चढ़ा दिया। हाँ। और इधर दिखा दे दोस्तों, बिरयानी देख लीजिए, अभी भी नींबू गड़ा ही रहा है और सब कोई हाथ जोड़ों शोरों से चल रहा है। देख लीजिए जला
ये हो गया आधे लहसुन, तो 4 घंटा फूलने के लिए जाता है, अभी फूलने के लिए जा रहा है, बाद में पिसाएगा। अब ये ब्राउन पूरा मतलब ठंडा हो चुका है ना? ठंडा हो चुका, अब ये पैकिंग होगा प्लास्टिक में। अच्छा, अब देने के ऊपर पड़ेगा और चिकन के साथ पूरा अच्छा से ठंडा हो चुका है ना? एकदम बिल्कुल अच्छा ठंडा हो चुका है, एकदम कुरकुर करता होगा, एक नंबर है, देख लीजिए। अच्छा, ये बॉयल करने के लिए जो रखा गया है इसको ढक के नहीं? ना तो ये तो 15-20 मिनट हो जाएगा, बॉयल ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ, पहले मतलब हम लोग ढकते थे लेकिन आप लोग नहीं ढक? ना ना, ढकने वाला मामला नहीं है। हाँ, वैसे भी पूरा गर्म हो जाता होगा ना? चावल क्या लग रहा है, तैयार हो गए? हाँ हाँ, बस निकालने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों देख लीजिए, अब चावल निकाला जा रहा है, वो डाल देते हैं, पूरा पानी नीचे चल जाएगा ना, चावल उसमें रहेगा, पानी रह जाता है, बाहर आ जाता है पानी, चावल छन जाता है। अच्छा, और ये चावल को उसके अंदर मटेरियल के अंदर डाला जाए, उसके ऊपर से घोल, उसके बाद दम पे के लिए चढ़ा, पहले चावल पूरा चिकन पर घोल डाला था, उसके बाद चावल, चावल उसके बाद दम पे चढ़ा दिया। देख लीजिए दोस्तों, घोल को पूरा फेंटा जा रहा है, सब मसाला डला चुका था, घोल पूरा तरह से रेडी हो चुका है। अच्छा, घोल रेडी हो चुका है ना? रेडी हो चुका है। ये अब बिरयानी बनने के लिए कितना डालते हैं? 3 डब्बू? 3 डब्बू। अच्छा, पानी देता है, ये हो गया घोल, ओके घोल, ओके देख ला आपको। हाँ, डाल दो फ्राई कर देते। अच्छा, ये हो गया, ये डाल रहा चिकन के ऊपर, चिकन के ऊपर। अब वही घोल जितना बार बनेगा उसको यूज किया जाएगा नहीं? ऐसे हो गया भैया बिरयानी मसाला, फिर बिरयानी मसाला चिकन के ऊपर जाएगा तो आराम। अच्छा, इसको डालने के बाद तो खुशबू बढ़िया आता है। ये हो गया भैया तेल। अच्छा, ये तेल हो गया, तो चिकन फ्राई किए तो ना वही तेल ही थी। अच्छा जी, उसे और सुनहापन आ जाएगा बाद। आइए रुक चलिए भैया, ये जा रहा है चढ़ने के लिए जा रहा है ना? जैसा कि दोस्तों देख लीजिए, अब ये गैस पे आके चढ़ चुका है, और इधर कस्टमर लोग देख लीजिए बनने से पहले खड़ा है। हम लोग डेली खाते हैं सुबह शाम। हाँ, बगल रूम रहता है, उतर के खा लेते हैं। अच्छा, तो मतलब आप लोग अभी समझिए तो आधा घंटा 15 से 20 मिनट माल ओके, तो यानी कस्टमर लोग आधा घंटा पहले, हम लोग वेट कर रहे हैं बनने का, रेगुलर कस्टमर है। चावल डला चुका है दोस्तों, देखिए भैया तेल मांगने जा रहे हैं बिरयानी के ऊपर। अच्छा, ये सारा नचा के कहे मारते हैं? ये तो मेन कला है भैया, यही मेन कला है, सब घुमा नहीं पाता है भैया। ये चला गया तेल, ये तेल डालने से क्या होता है? तेल डालने का तो बिरयानी में लाइट आता है। प्याज, ये हो गया प्याज, जो प्याज अभी आपको दिखलाया था ना तो फ्राई हो रहा था, वो प्याज हुआ ये। जैसा कि दोस्तों उस समय से भैया मतलब बोलने में हिचकिचा रहे थे, अभी अलग जोश आ चुका है ना? नहीं भैया, ये हो गया अब कलर, ये क्या डाल रहे हैं? कलर हो गया भैया, कलर जी कह रहे हैं, उस समय से बोलने में शर्मा रहे थे, अभी अलग जोश आ गया, टाइम के हिसाब से अब भी जोश बदल देते हैं। सो बिरयानी पूरा सामान मटेरियल डला चुका है, अब कपड़ा डला गया दम के लिए। जी जी, 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाएगा। ऐसा कि दोस्तों देख लीजिए, अब बनने जा रहा है रायता, रायता में अभी क्या डाले हैं भैया? दही, दही है। कितना दही था? आधा किलो जी। हाँ, हाँ, 1 किलो का बनाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, हम लोग 6-7 किलो दही चल जाता है रायता। अच्छा, 6-7 किलो रोज दही चल, रायता बना देते। हाँ हाँ, तो अभी आधा किलो दही पहले डाले थे, अभी आधा किलो और जा रहा है? नहीं, 1.5 किलो दही हो जाएगा। 1.5 किलो दही हो जाएगा ना? हाँ। अच्छा,
तो अभी दोस्तों 1.5 किलो दही डाला गया है, अब बन रहा है रायता। काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। 8 बजे सुबह में हम आए थे, उस समय से सब कोई का हाथ चल रहा है, हाथ रुका नहीं है। दही महा चुका है, मटेरियल डलाएगा ना दोस्तों। मिर्च पाउडर, ये हो गया चाट मसाला, अब ये हो गया चाट मसाला। तो चाट मसाला या काला नमक, हो गया जीरा पाउडर, ये पीने वाला पानी डालते हैं ना, बिस्लेरी वाला। ताकि दोस्तों इधर रायता बनके रेडी हो चुका है, अब इधर सलाद कटा रहा है। और देख लीजिए पूरा जितना भी मतलब टेबल चेयर है पूरा अच्छा से रेडी कर दिया गया है, नीचे का पूरा साफ़ सफाई हो चुका है। और कस्टमर लोग आके बैठ चुके हैं खाने के लिए, और यहाँ पे बिरयानी दम पे है, और कुछ ही देर में वहाँ पे जाएगा और वहीं से सर्व किया जाएगा। और यहाँ पे सलाद कटाना चालू हो चुका है, नहीं सर? जी सर। आप लोग समझिए तो सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे ले खाड़े खाड़ रहा। हाँ, 8:30 बजे हम लोग बिल्कुल कंप्लीट दुकान में घुस जाते हैं। अगर हम लोग लेट हो जाएंगे तो बिरयानी टाइम पर कस्टमर को दे नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग 8:00। सुबह में कितना बजे मतलब आपका दुकान 8 बजे खुल जाता है, ये तो हम देख लिए। बिरयानी अर्ली मॉर्निंग टाइम में हम पहुंच जाते हैं 8:00। बिरयानी 12 बजे से मिलना, 12:15 में हम लोग तैयारी कर देते हैं। और रात को कितना बजे तक मिलता है? रात हम आपको बिरयानी 9:30 बजे तक दे देते हैं। 9:30 तक? हाँ, क्योंकि ये मोहल्ला है यहाँ पर, 9:30 बजे मामला सन्नाटा हो जाता है। लेकिन कोई कोई स्टूडेंट 10 बजे भी आ जाते होंगे। हाँ, तो बाई चांस सपोर्टेड मेरे पास बिरयानी है तो हम 10 बजे तक भी बेचते रहते हैं। यानी 9:30 तक आपका ही माल खत्म? 9:30 बजे तक आपको, 9:30 बजे तक बिरयानी मिल जाएगी, आपका ही माल खत्म हो जाएगा। ठीक ठीक। हाँ, कल हो चुका है दोस्तों, और इधर भी बिरयानी अब दम पे पूरा अच्छा से हो चुका है। अब ये बिरयानी वहाँ जाएगा, वहीं से सर्व किया जाएगा। अब ये बिरयानी जा रहा है इस पे रखा गया, और यहीं से सर्व किया जाएगा। और भैया लोग टाइम का बहुत ही पक्के हैं, 12 बजे बोले, राइट 12 बजे बिरयानी रेडी हो चुका है। और अंदर देख लीजिए कस्टमर लोग आधा घंटा पहले ही आके बैठ के वेट कर रहे हैं बिरयानी खाने के लिए। ये कपड़ा नीचे क्यों लगाते हैं भैया? ट्रेन को रुकवाने के लिए भैया। ठीक है, मतलब भाई लोग को रुकवाने के लिए लाल कपड़ा देखने के बाद बिरयानी मतलब समझ जाता है, समझ जाते हैं लोग बिरयानी बिक रहा है। अब थोड़ा अंदर का धुआं निकाला जाता है, नहीं जैसा कि दोस्तों देख लीजिए। अभी क्या कर रहे हैं भैया? ये कटिंग हो रहा है भैया, कटिंग हो रहा है। जो भी मतलब नीचे में पीस था उसको बाहर में आप निकाल रहे हैं, नहीं कह रहे हैं पैकिंग भी हो जाता है? नहीं, जो भी आदमी पैकिंग कराना चाहेंगे पैकिंग हो जाए, दम हो जाएगा भैया। और पैकिंग का कोई चार्ज वार्ज नहीं ना लगता? चार्ज नहीं है भैया, सिर्फ 90 रुपये। अच्छा, कोई चार्ज नहीं है पैकिंग? नहीं। मान लीजिए भैया जिनके घर बर्थडे पार्टी हो गया, शादी होती है, जो ऑर्डर देना चाहेंगे ऑर्डर लेते हैं लोग, नहीं दम ले लेते हैं। सब चीज़ का ऑर्डर, सब चीज़ का, शादी बर्थडे ऑर्डर सब का है। जितना आदमी प्लेट के हिसाब से बोलेंगे प्लेट के हिसाब से भी आप दे दीजिए। बात 90 रुपये प्लेट है भैया, वही में कुछ मेहनत रायता दिया जा रहा है दोस्तों। और इधर भी कस्टमर लोग पूरा चाव से खा रहे हैं। ताकि दोस्तों भैया खा रहे हैं, कैसा टेस्ट लग रहा है? टेस्ट बहुत लजीज है, बहुत आसान। क्या कहना चाहिएगा व्यूअर लोग को? जी व्यूअर लोग को क्या कहना चाहिए? बस आइए, विजिट कीजिए और खाइए, उसके बाद क्या है, टेस्ट चाहिए तो यहाँ आइए। आप कितना दिन से खाते हैं भैया? रोज खा रहे हैं, रोज खा रहे हैं। टेस्ट कैसा लगा? बढ़िया। इधर भी भैया अकेले अकेले बिरयानी का मजा ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत। और इधर भैया अकेले में आराम से शांति से बैठ के खा रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा रहता है, सब रहता है पहले से रहता है। पैकिंग करके इसलिए रखते हैं जैसे 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 ऑर्डर आएगा वैसे वैसे जल्दी जल्दी पैकिंग करके। हाँ हाँ हाँ, कस्टमर लोग को वेट ना करना, ना वेट ना करना। सब कोई देख लीजिए दोस्तों मस्ती से खा रहे हैं, और इधर भी भैया बिरयानी का मज़ा ले रहे हैं। कैसा टेस्ट लगा भैया आपको? बहुत बढ़िया है, मज़ा आया। जैसा कि दोस्तों देख लीजिए अभी हम अपना बिरयानी निकलवाने वाले हैं और खा के टेस्ट बताने वाले हैं। अभी भैया आगे दिए चावल और उसमें थोड़ा सा है आलू। आप लोग नहीं बजाइएगा तो काम ही नहीं चलेगा ना। और ऊपर से गया एक लेग और साइड में गया अंडा। और चलिए हम थोड़ा उधर का प्रोसेस दिखाते हैं दोस्तों। थोड़ा सा सलाद, ऊपर से गया खीरा, और निकलेगा थोड़ा सा रायता।
फाइनली दोस्तों हमारा चिकन बिरयानी आ चुका है विथ एग के साथ। अगर आप लोग दोस्तों चिकन बिरयानी लेते हैं तो 90 का आएगा, अगर चिकन बिरयानी के साथ अगर एक एग लेते हैं तो आएगा 100 रुपये का। और अभी हमारा रायता आने वाला है। फाइनली दोस्तों हमारा बिरयानी आ चुका है, अब बारी है खा के टेस्ट बताने की। सबसे पहले हल्का सा चम्मच को हम करते हैं अभी साइड में, हल्का सा चावल को आगे सानते हैं। आगे एक बाइट हम चावल लेते हैं, आपको टेस्ट बताते हैं। बोलो ज़्यादा आपको, आप लोग सोचते होंगे ज़्यादा तीखा लगे, उतना भी तीखा नहीं लगेगा, मीडियम है। ज़्यादा मसाला को यूज नहीं किया गया है जिससे आप लोगों को सेहत में कोई तरह का कोई दिक्कत ना हो। अब थोड़ा सा हम ये लेग पीस थोड़ा सा चावल में डालते हैं, एक बाइट लेते हैं। कतई ही लग रहा है दोस्तों, मज़ा आ गया। अब बारी है अंडा की, थोड़ा सा अंडा लेते हैं दोस्तों। थोड़ा सा चावल, एक चीज़ जो छूट रहा है वो है रायता। रायता को कुछ नहीं करना है, लेना है और पीना है। प्रॉपर तरीका से पूरा दही को यूज किया गया था रायता में, मसाला भी प्रॉपर तरीका से डाला गया है, मज़ा आ गया रायता भी पी के दोस्तों। एक बाइट हम लेते हैं चिकन लेग पीस, तो चिकन लेग पीस देख लीजिए पूरा सॉफ्ट सा है, जैसे ही हम लेते हैं हाथ में आ जाएगा। और चिकन लेग पीस को एक बाइट डालते हैं चावल में और खाते हैं। वाह मज़ा आ गया दोस्त। जैसा कि दोस्तों भैया हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक भी मंगा चुके हैं जो छूट ही गया दिखाना। आप लोग आइएगा तो बिरयानी के साथ कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे लिए स्पेशल मंगा दिए हैं। अगर बिरयानी के साथ ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक मिल जाए उसका बात ही कुछ और है। और भैया बता रहे थे यहाँ भी हम कोल्ड ड्रिंक का मतलब सुविधा लगाने वाले हैं, अगर आप लोग आइएगा खाने तो यहाँ भी कुछ दिन के अंदर कोल्ड ड्रिंक का भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगा। एक बाइट लेते हैं बिरयानी। वाह थोड़ा सा चिकन लेग पीस, कतई लग रहा है दोस्तों। यहाँ थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक, मज़ा आ गया दोस्तों। कैसा लगा दोस्तों आज का ब्लॉग? ब्लॉग अच्छा लगा होगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अच्छा अच्छा ब्लॉग के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भैया ये जगह का भी ब्लॉग बना दीजिए, फाइनली हम उस जगह का ब्लॉग बना देंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ प्यार करते हैं आपसे, मस्त रहें स्वस्थ रहें। एक चीज़ का नाम भूल ही गए, यहाँ जैसे ही 12 बजे पूरा कस्टमर लोग आके बैठ के खाने लगे, यहाँ अभी से लेकर रात के 10 बजे तक नॉन स्टॉप भीड़ रहता है। अगर अभी लोग अच्छा अच्छा बिरयानी खाना चाहते हैं एक बार ज़रूर आइए यहाँ पर। और सुबह 8 बजे से हम यहाँ पर शूट कर रहे हैं, अभी दिन के 1 बज रहा। और फिर अपने छोटे भाई को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।